watching me, your Farhat ma'am, on this channel. So today we are going to continue your chapter number 3, solid liquid and gases class 5. In my previous video, मैंने समझाया था कि क्या molecules होते हैं, क्या matter होता है and what are atoms. So in today's video, I'm going to tell you what are the differences between solid, liquid and gases. अब solid, liquid and gases आपको दिख रहा है भाई कि हाँ ये solid है तो solid है. इसमें क्या differences हो सकते हैं? There are a lot of differences in the language of science. So फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी, द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स किस तरह से पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में. तो इफ दिस पेन इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, सो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड. ओके, एंड इन लिक्विड इट इज नॉट दैट मच टाइटली पैक्ड, थोड़ा लूजली पैक होता है, इसीलिए तो लिक्विड फ्लो करता है आराम से. ओके, अब गैसेस की बात करें, गैसेस में तो बहुत ज्यादा लूजली पैक होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसीलिए तो हमारे एनवायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, गैस एयर हर जगह है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर बिकॉज मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पैक है. ओके, नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है सॉलिड्स में, बहुत स्ट्रांग होता है, एक दूसरे को आपस में पैक करके रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, लूज नहीं करते हैं सॉलिड्स में. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड, इट इज लेस एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होता है. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर आपका लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है बिकॉज इट फ्लोस, एंड गैसेस में तो बिल्कुल ही नहीं होता, आप या तो नो कह सकते हो उसको, एलिमेंट राइट वेरी लेस. ओके, नेक्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. अब एक स्पेस अगर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में स्पेस क्या है? ओके, सॉलिड में तो स्पेस ही नहीं है, राइट? सो लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस है और गैसेस में और भी ज्यादा स्पेस है. ओके, सो नो दे कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ओके, नेक्स्ट इज दे कैन मूव फ्रीली बिकॉज दे हैव अ वेट स्पेस इन देम, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. द नेक्स्ट इज शेप. अच्छा, सॉलिड की क्या मैं इसकी शेप बदल सकती हूँ? ये इसकी शेप फिक्स है और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, उतना ही स्पेस लेगा हर बार जितना स्पेस ने पहले लिया था. ओके, सो इट इज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ओके, सो द इन लिक्विड्स में क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. वॉल्यूम क्यों फिक्स है? अगर वन लीटर वाटर है तो वन लीटर ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे ग्लास में डालो या बॉटल में डालो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज गैसेस. गैसेस की कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और ना ही इसकी कोई फिक्स शेप है. आप उसको बलून में भरोगे तो बलून जैसी हो जाएगी, आप उसको सिलेंडर में डालोगे सिलेंडर जैसी हो जाएगी. इज इट क्लियर? सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड नाउ इफ यू लाइक माई वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो.